अब जो टीकाकरण का शुरुआत हो गई, तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि बिहार के जिन लोगों का टीकाकरण होना है और केंद्र सरकार के द्वारा जो नया गाइडलाइन जारी हुआ है उसके हिसाब से 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के तमाम लोगों को कराना है और 60 साल से नीचे 45 वर्ष तक के उम्र का अभी के फेज में जो कई प्रकार की बीमारियों के बारे में भी आइडेंटिफाई किया गया है उससे जो पीड़ित हैं वैसे लोगों को कराया जाएगा। तो उसके लिए बिहार में भी इसका जो कुछ भी है पूरी तैयारी उसकी की जा रही है। अब सब लोगों को सब लोगों का टीकाकरण आज से शुरुआत हो गया, मुझे खुशी है। और आप जानते हैं कि हमने पहले से ही कर लिया है कि ये बिल्कुल बिहार में फ्री होगा। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं 50 के करीब, तो वहां भी जो टीकाकरण होगा उसमें राज्य सरकार अपनी तरफ से भी ये मुफ्त प्रबंध कराएगी। जो हम लोगों ने अपना ऐलान किया सरकार बनने के बाद, हम लोगों ने निर्णय लेकर के इस बात का ऐलान कर दिया था कि बिहार में हम लोग टीकाकरण मुफ्त में करवाएंगे, तो इसलिए वो भी काम हम लोग करेंगे। और पूरे तौर पर अब मुझको भरोसा है कि बिहार के वैसे तमाम लोग जिनका टीकाकरण होना है वो जरूर इसको कराएंगे। ये वैक्सीन आपको क्या लगता है सेफ है, क्योंकि ऑपोजिशन बार बार बोल रहा है कि ट्रायल ठीक से नहीं हुआ? नहीं, कौन क्या बोलते हैं हमको नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर है कि टीकाकरण बिल्कुल सही ढंग से हो रहा है। और टीकाकरण कराने के बाद 30 मिनट तक बैठाया जाता है और जो डॉक्टर्स हैं विशेषज्ञ हैं वो बैठते हैं, आज हम लोग भी बैठे, सारे विशेषज्ञ लोग भी बैठे हुए थे, कहीं कुछ कोई फीलिंग नहीं है और बिल्कुल ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे आए थे उस समय जैसा दिख रहे होंगे, अब अभी भी देख लीजिए कोई फर्क पड़ता नहीं। चलिए ये तो आप सब लोगों को मालूम होगा, लेकिन सबसे खुशी की बात है कि आज तो देश में पहला टीकाकरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह ही ले लिया, 6 बजे ही लिया। और कल ही सब तय था, हम लोग बैठ करके तय किए थे 1 बजे दिन का समय निर्धारित हुआ था, इसी समय हम लोग करवाए, वो आज आकर करवाए हैं। तो मुझे तो बिहार के लोगों है। को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, लोगों से क्या मैसेज दीजिएगा? विधायक और जो हमारे माननीय विधायक हैं और विधान परिषद के माननीय सदस्य हैं, उन सब लोगों का भी टीकाकरण यही IGIMS में ही कराया जाएगा। पहले एक बात, जी हाँ, पहले एक बात हो रही थी वही किया जाए, लेकिन ये बात भाई देखिए 30 मिनट बैठाना है और डॉक्टर्स को एक्सपर्ट्स को देखना है, तो ये इंतजाम जो IGIMS में हुआ है या इस तरह के सरकारी अस्पतालों में और अन्य जगहों पर है वो ज्यादा उपयोगी है। इसलिए हम लोगों ने फिर आज ही ये बात कर लिया कि नहीं, सारे जो हमारे माननीय विधायक हैं और माननीय विधान पार्षद हैं उनका भी टीकाकरण यही कराया जाएगा और उसके लिए सारा इंतजाम किया गया है और उसके लिए तय कर दिया गया है कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक के बीच में और फिर दिन में 1 बजे दिन से लेकर के 7 बजे शाम तक जब वो आकर के टीकाकरण कराएंगे यहाँ सारा इंतजाम रहेगा और वो सब किया जाएगा और सबका लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगा जो भी आने वाले हैं उसके बारे में सब कुछ किया ही जा रहा है। दूसरा डोज तो जरूर लेना चाहिए, जब भाई ये कह दिया गया कि 28 दिन के बाद दूसरा डोज लेना चाहिए, तो आज ही हम लोगों ने तय कर लिया कि आज हम लोग लिए हैं पहला डोज, तो आज ही डॉक्टर्स ने तय कर दिया है कि 28 दिन के बाद लेना है, ये नहीं कि 28 दिन पर लेना, आज ही यहाँ IGIMS के लोगों ने तय कर दिया कि हम लोगों ने आज 1 तारीख को टीकाकरण करवाया है पहला और दूसरा टीकाकरण कराएंगे 31 मार्च, एकदम बिल्कुल यही कराएंगे। आज ही लोगों ने तय कर दिया कि दूसरा टीकाकरण उस दिन भी हम आएंगे जो इन लोगों ने कहा। पहले तो मेरे मन में था कि 28 दिन में कराएंगे, कहा कि नहीं नहीं मिनिमम 28 दिन और उससे कुछ ज्यादा दिन होता है तो और अच्छा है, उपयोगी है, इसलिए इन्हीं लोगों ने अभी तय किया है। राज्य के कितने हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन प्रोसेस चालू होगा? नहीं, हम लोगों के जितने अस्पताल हैं उसमें तो होगा और नीचे के लेवल पर भी किया जाएगा, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोगों से क्या कहेंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक भी कराया जा रहा है और निजी क्षेत्र के 50 हॉस्पिटल्स का आईडेंटिफाई किया अभी तक यही स्थिति। सब लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि बिल्कुल कोरोना से हम लोगों को छुटकारा पाना है और इसके लिए जो कुछ भी रिसर्च के बाद ये नतीजा निकला है कि
टीकाकरण करा लेने से, वैक्सीनेशन करा लेने से मुक्ति रहेगी। इसलिए सब लोगों से हम आग्रह करेंगे कि जिन लोगों को भी कराना है उनको अवश्य टीकाकरण कराना चाहिए। हम सबसे विनम्र पूर्वक आग्रह करेंगे और निवेदन। प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह 6 बजे अपना टीकाकरण कराया और कल ही हम लोगों की एक मीटिंग का पूरा बैठ करके हम लोगों ने बातचीत की जी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। बिहार में खास तौर पर आपको बता दें कि कोरोना जो वैक्सीन है मुफ्त होगा और ये भी संदेश देने की कोशिश की।